हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राव, तो आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चीज बनाएंगे जिसे कहते हैं व्हिप्ड सॉप। दोस्तों, अभी ठंडे का मौसम आ गया है, तो इसके लिए हमको ग्लिसरीन सॉप की जरूरत पड़ेगी या ऐसे सॉप की जरूरत पड़ेगी जो हमारा स्किन को मॉइस्चराइज रखे। तो इसके लिए सबसे अच्छा है व्हिप्ड सॉप, क्योंकि उसे असरदार भी है और उसे एक नया लुक भी उसका है। अगर आप उसका बिजनेस करना चाहते हो तो वो बहुत ही आसान से आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। और उसका जो प्राइस होता है दोस्तों, वो 150 से 200 तक होता है 100 ग्राम का। और आप उसे बना सकते हैं 50 से 60 रुपीज के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों, व्हिप्ड सॉप कैसे बनाते हैं और हम उसे कैसे बना पाते हैं ये देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर हाउस होल्ड प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूं, जिसके वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हुई सॉप कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, जो हुई सॉप होता है उसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं, या अगर हम डायरेक्ट उसे ऑर्गेनिक तरीके से भी बना सकते हैं, और हम उसे किसी भी सॉप बेस में भी बना सकते हैं। दोस्तों, आप चाहो तो उसे ट्रांसपेरेंट सॉप बेस से बना सकते हैं या गोट मिल्क सॉप बेस है, मगर ये अच्छा होगा कि अगर हम ट्रांसपेरेंट सॉप बेस लाते हैं तो उसमें हमने मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए या चारकोल चाहिए उसमें डालना पड़ेगा। दोस्तों, उसे डालकर हम उसे मिक्स करके बनाया जाता है, या अगर आप डायरेक्ट गोट मिल्क सॉप बेस ले आते हो तो उसके लिए ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना नहीं पड़ता है। जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं वो बहुत ही कम प्राइस में आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, गोट मिल्क सॉप बेस पहले हम देख लेते हैं कि गोट मिल्क सॉप बेस से हम जो व्हिप सॉप कैसे बनाएंगे। दोस्तों, पहले हम ले लेते हैं गोट मिल्क 100 ग्राम गोट मिल्क की सॉप बेस 100 ग्राम ले लेते हैं। उसे छोटा छोटा पीस में काट कर उसे जो डबल बॉयलर में उसे डाल दीजिए, और उसमें डालिए डिस्टिल वाटर। देखिए दोस्तों, आप आरओ वाटर इसमें यूज मत कीजिएगा, उसमें डिस्टिल वाटर यूज कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिन भी रहने के लिए अच्छा है और उसके साथ साथ वो बिल्कुल प्योरीफाइड होता है। तो डिस्टिल वाटर हम डालेंगे उसमें 40 ग्राम। दोस्तों, उसके बाद डालेंगे ग्लिसरीन डालेंगे 1 ग्राम। दोस्तों, ग्लिसरीन एक मॉइस्चराइजर होता है, तो ग्लिसरीन हम उसमें डालेंगे 1 ग्राम। जो ग्लिसरीन डालेंगे वो वेजिटेबल ग्लिसरीन होना चाहिए। उसके बाद डालेंगे कोको बटर। जो कोको बटर होता है वो कोको बीन्स से बनता है, ये नहीं कि कोकोनट ऑयल है, वो कोको बीन्स से बनता है जो कोको बटर, उसे हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। वो जनरल तौर पर वो 30 डिग्री टेम्परेचर में भी वो मेल्ट हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम डालेंगे कैरियर ऑयल। किसी भी कैरियर ऑयल ले सकते हैं, यानी आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं या कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, किंतु मगर कोकोनट ऑयल अगर लेते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो आप आलमंड ऑयल भी उसमें यूज कर सकते हैं। वो हम करेंगे 10 ग्राम। दोस्तों, उसके बाद लेंगे एसेंशियल। दोस्तों, जो एसेंस लेते हैं वो लेमन का एसेंस लेते हैं या ऑरेंज का, अगर थोड़ा ग्लो चाहिए तो लेमन या ऑरेंज का एसेंस हम उसमें यूज करेंगे। वो करेंगे 1 ml तक या 10 से 12 ड्रॉप तक हम उसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, उसे ये सब मिक्स करने के बाद, दोस्तों पहले एसेंस से पहले हम उसे सारी चीज़ मिक्स कर दिए और उसे डबल बॉयलर में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। वो पूरी तरह मेल्ट होने के बाद उसे पूरी तरह से मिक्स कीजिए। जैसे ही वो मिक्स होगा उसे क्या करेंगे ना, पूरी तरह मेल्ट होने के बाद उसे बाहर ले आइए और उसे मिक्स कीजिए। जब पूरी तरह से मिक्स होगा, वो बिल्कुल ठंडा होने के बाद वो पेस्ट टाइप हो जाएगा। अगर आप मिक्स ना करके उसे रख लेते हैं तो वो हार्ड बन जाएगा, मगर अगर मिक्स आप कंटिन्यू उसे मिक्स कर लेते हैं तो वो पेस्ट जैसा बन जाएगा। और उसके बाद उसे आप डालेंगे एसेंशियल ऑयल डाल के उसे फिर से मिक्स करना है, और उसके बाद डालेंगे प्रिजर्वेटिव। दोस्तों, प्रिजर्वेटिव हम उसमें डालेंगे DMDM। अगर हम उसे DMDM डालते हैं तो वो 2 ग्राम तक उसमें डालेंगे DMDM, और फिर से उसे मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद तो पूरी तरह मिक्स हो जाता है, तो हम उसमें डालेंगे फ्रेग्रेंस। आप किसी भी फ्रेग्रेंस को डाल सकते हैं, या जो एसेंशियल आपने डाले हैं ना वो भी खुशबू देगा, मगर उसी एसेंशियल ऑयल का भी फ्रेग्रेंस आता है, उसे भी आप उसे ऐड कर लीजिएगा, तो आपके प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आप जो भी कलर आप चाहते हैं तो उसी कलर उसमें ऐड कर लीजिए, और उसे एक छोटा डिब्बा में जो 100 ग्राम का डिब्बा आता है उसे पैक करके जिसे आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों अभी ठंडी का मौसम आ गया है, तो आप चाहो तो हुई शॉप का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जिनको 100 फॉर्मुलेशन का बुक चाहिए वो हमारा व्हाट्सएप पर या कॉल करके 100 फॉर्मुलेशन का बुक ले सकते हैं। दोस्तों यहीं से हमारा वीडियो खत्म होता है, हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे इन्फॉर्मेशन या दूसरे प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।